उसी बीच में मान लीजिए छेड़छाड़ के भी केस एनी टाइम लगाता है आप लोग के ऊपर, हम लोग के ऊपर आज तीसरा मर्तबा उसको छेड़छाड़ लगाते होगा। पहला चीज कि उसका जिससे हमको झगड़ा हुआ उसका पहला तो चीज वो चीज है नहीं, उसका जमीन आपस में झगड़ा होता है वो तो जहाँ तक सही आता है मामला समझ, लेकिन ये छेड़खानी का कोहला, पहला का कोहला आशा भी कोई इज्जत है, पहला आशा देवी हम पर छेड़छाड़ लगाया और दूसरका में बबीता देवी लगाई और तीसरका में अबर लड़की से लगा रही थी, तो डीएसपी सर बोले कि ऐसा तो नहीं है कि जमीनी विवाद में छेड़े छाड़ करने आएगा मेरा दरवाजा पर है, तो ये तो झूठ मूठ का एक आरोप लग रहा है क्योंकि जमीनी मामला में कोई छेड़खानी नहीं होता। ये कैसे टूटा है हाथ, थोड़ा सा टेक दे, ये क्या हुआ है आपको? वही संजीत मारा है हाथ पर कि कहीं बिछल उछल के गिरे नहीं सर, नहाने धोने में बाथरूम में रोजा खोलने हम लोग आ रहे थे, शाम के टाइम थे 6 बज रहे थे। झूठ मूठ का आरोप किसी के ऊपर नहीं सर, जो हकीकत है वही बताइए। देखिए हम लोग रोजा रह के झूठ नहीं बोलेंगे सर, रोजा चल रहा था उस समय समझ गए, ला करके देखिए छोटा देवर थे उसको मारा नली में जात के, तो हम लोग थे एगो गोतनी है और हम थे दौड़े तैले वो हमरा पर उठ के दो तीन लाठी मार दी। हाँ संजीत है सेवन और नली में छोटा देवर के काट दी। हाँ इसके बाद आप लोग थाना वाना नहीं गए? गए हैं। आप लोग भी केस? हाँ केस किए हैं। हाँ मैंने एक महिला के साथ इस हिसाब से के साथ कम से कम 10 गो अथी जेंट्स थे। हाँ सब नौकरी चाकरी वाला है, कहता है जो हम तुम लोग को उड़ा देंगे। हाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ उजार देंगे। कैसे उड़ा देगा मतलब, यहाँ नहीं रहने देंगे, मार देंगे, टांगी से मर ले है छोटा देवर के नहीं। हाँ खाप दिया है उसका बेटा, वही सिर्फ घर मजरुआ जमीन के लिए 6 गो टांका पड़ल है। अच्छा हाँ। जमीन कितना है घर मजरुआ जमीन कितना है टोटल? 1.5 डिसमिल जमीन है। 1.5 डिसमिल मात्र 1.5 डिसमिल है, वो हम लोग का कब्जा में भी है। हाँ। हम लोग का कब्जा में उसी जमीन 1.5 डिसमिल के लिए 1.5 करोड़ लगाने के लोग तैयार है। हमारा दरवाजा पर है ना निकासी। हाँ। हमारा बंद कर दे रहा है। हम लोग उसी जमीन पर निकासी जब कर रहे थे तो हम लोग के ऊपर बार बार 354 लगा देता है, और उसी जमीन पर हम लोग निकल रहे थे तो सारा आदमी एकाएक होकर के हमारे घर में कोई नहीं था और हमारे साथ हमारा माथा देखे आपका भी फट गया। हाँ, 6 गोटा का पड़ा था। इतना होने के बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं? हाँ खाली उनका कहला अपना इधर उधर, खाली उन लोग का घर में 8-10 गो नौकरी वाला है, कुछ भी होता है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को या जैसे भी पैसा वैसा दे करके मामला सेट आउट करवा लेता है, और नौकरी वाला अभी भी बाहर के लोग सब 8-10 आदमी आए हैं, सब बाहरी से बदमाश लोग को बुला लेता है हमेशा उन्हीं लोगों के साथ हमेशा बदमाश। अभी उस जमीन पर आप लोग जाते हैं कि नहीं? जमीन पर हम लोग का निकासी है तो किधर से हम लोग निकलेंगे? अभी उसी से आना हम लोग उसी से। ये सीओ साहब का आप लोग बताए हैं? सीओ साहब को आवेदन दिए हैं हम लोग। क्या बोलते हैं सीओ साहब? अभी कहला उनका ये क्योंकि घर मजरुआ किसी के कब्जा में होता ही नहीं है, अगर आप आवेदन देंगे अधिकारी को तो कहीं ना कहीं खाली कर देंगे। दिए थे आवेदन तो उनका तबादला हो गया, अभी बदल गए हैं, उनके जगह पर कोई आए नहीं है सीओ साहब। पदभार में आपका वीडियो है तो वो भी उतना दिखते कि वोट का चुनाव का समय है इसलिए आगे कुछ प्रक्रिया नहीं किए हैं। वो दोनों तरफ से जैसे पहला पत्थर संजीत चलाया तो दोनों तरफ से हुआ है पत्थर, ऐसा नहीं है इसमें वो सब छत पर होकर के मारा है। हम लोग के तो मान लीजिए छत वैसा है नहीं, छत पर चढ़ के पत्थर, छत पर चढ़ करके बहुत पत्थर मारा केस से बचने के लिए, तो उन लोग का जो सर पे चोट वोट लगा है वो क्या है? वो दोनों तरफ से पथराव हुआ था, ऐसा नहीं है। पथराव कम से कम 20 मिनट पथराव हुआ, 20 मिनट तक 20 मिनट पथराव किया है। छत पर पकड़ रखा था, पकड़ पहले से चलाया, पहले से वो रखा था उन लोग। हाँ। वो अपने आप तो से मारपीट किया, दारू के बोतल बिक दिया अपने में जो है से उन लोग नड़ झगड़ के झूठ मूठ के बोना जा रहे हैं चीर। आप लोग शराब वराब नहीं पीते हैं? नहीं, हम लोग शराब नहीं पीते हैं, दुकान किया है। हाँ। तो वो शराब पीता है। हाँ। हम लोग के छप्पर के ऊपर के देखे जो बहुत दारू के बोतल बिक दिया है, पीपा के सब उसी का फेंकल रहता है। हाँ, बिक देता है। उसका भाई भी है ऐसे 10,000 में एग्रीमेंट भी कर दिया निकसार के चलते, तब पर मैं बात जबरदस्ती 10,000 पैसा लिया, 1,000 का कोलो उसमें चढ़ाया। तो ये एग्रीमेंट पेपर है ना? हाँ एग्रीमेंट पेपर है। पैसा के यहाँ माने नहीं रखता है, माने है जो आपका एग्रीमेंट है लिख दिया है उसका एग्रीमेंट। अगर रेती जमीन हम फ्री में लिख दिया तो ऐसा थोड़ा है जो आपका जमीन नहीं होगा? नहीं, एग्रीमेंट हो गया है ना, एग्रीमेंट भी जबरदस्ती, फिर जबरदस्ती कर रहा है महिंदर चंद्र वंशी और लिखा है बंसी राम। महेंद्र का उसमें कुछ है ही नहीं है, उसका महेंद्र का कुछ उसमें नहीं है, वही सारा लड़ाई का जड़ माने उसी का बाप बेटा जो है ना। ये महेंद्र कौन है? महेंद्र उसका का कोहला चचेरा में का कोहला गोतिया, जैसे दो दादा का कोहला हुआ ना, जैसे एक ये हो गया एक वो हो गया, मन गोतिया गोतिया में हुए, दूर का दूर का हो गया।
एकदम अपना गोतिया नहीं हुआ। अच्छा, इसमें निक्सस होना क्या चाहिए? इसमें देख लीजिए, इसलिए कि हम लोग का चाहते क्या है, चाहते ये है कि हम लोग का वो जमीन है निकासी, हम लोग का निकसार है, और वो रोड से वहाँ से वो आएगा तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग तो निकलवे करेंगे घर में, घर में से बाहर नहीं, घर रहते हैं तो उन लोग काटा कुटी घोर देता है, पेशाब कर देगा, औरत लोग के गानी गनौज कर देता है। हम लोग का हाइलोजन लगा दिया है छत पर, बहु बेटी सोता है, मारपीट तो जो किया करवे कि हम देखिए गार्जियन है सबके, लेकिन जितना भी किया अभी देखिए हाइलोजन लगा दिया है, हमारा भाई लड़की है वो घर सोता है, जो है एकदम परेशान कर दिया है। हेलोजन लगा देते हैं, पूरा साफ दिखा, एकदम साफ दिखा रहा है छत पर, बेटी बहन ऊपर छत पर कैसे सो रही है। और जितनी भी परेशानी कर रहा है करते आ रहा है। देखिए हम लोग के बाप दादा उसको 17 डिसमिल दिया था, नरेश सिंह लिख दिए उनको, एक एकड़ 17 डिसमिल के रकबा है वो, अब वो जोत रहा है हमारा 22 डिसमिल, वो में छोड़ दिए हम लोग, लेकिन जबरदस्ती कर रहा है, डीलर है, कहता है कि हम इसको उजाड़ देंगे। हम लोग के देखिए कार्डधारी यहाँ के थे, कभी बानू टिकर भेज दे रहा है, कभी जो है सो वहीं भेज देगा पिपरा, सबके हम लोग के परेशान कर डाला कुछ दिनों तक, एकदम ले रहे थे राशन। ये तो डीलर पद का भी दुरुपयोग कर रहे हैं जी, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ, वह डीलर महिंदर डीलर है, महिंदर जो है डीलर है। अच्छा, गांव के जमा करते हैं तो कहता है कि नहीं भाई हमरो कार्डवा भेज दिए हमने। अच्छा, इस ये जमीन के मामले में कभी पंचायती भी हुआ आप लोग का? पंचायती एक दफा हुआ था, नहीं माना, समझे ना, क्या बोलता है जब इसको घेरा कब्जा करेंगे, हाँ करेंगे, प्लिंथ करा दिया, बाहरी से आदमी लाया था, आपको ढेरे आदमी ला करके दो गाड़ी अनचिन आदमी आन के उड़न बोलने लगा कौन है फलना कौन है चिलना, तो सभी भाई लोग जमा हुए रात को है नहीं दिन के यही टाइम लगभग 10-11 बजे तक हो, और वही बातचीत हुआ तो लोग गए चुनमुन दुबे भेजे थे आदमी के, तब हट ब्रज हुआ, बातचीत नहीं बढ़ा, मतलब उतने बात है समझे ना। लेकिन हम लोग के दरवाजा पर देखिए पेशाब कर करके शराब पी करके नशा के सुर में लगे करने हाइलोजन बना, अभी देखने की चीज है, रेलिंग नहीं है, बहुत रेलिंग नहीं है, अब किसी तरह से हम लोग कितना शराब बेचता है आप श्योर है ना, कैसे झूठ मूठ का आरोप लगा? बेचता है अगर अभी अगर आ जाए तो अभी उसके यहाँ छपा हो जाए। इसमें तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शराब जो है बंदी है, आपको शराब बिना लाइसेंस का आपको नहीं बेचना है, और गांव देहात एरिया में है थे सीसी था। तो उन लोग क्या बोले कि नहीं है, तो बोला कि नहीं अपने बीन के लाया है, तो हम लोग तो उसमें ठेक भी नहीं करते हैं। हम लोग इधर बस्ती ज्यादा मुस्लिम का है ना? नहीं, दोनों का ज्यादा उन्हीं लोग का है, उतना नहीं। मुस्लिम बस्ती के अंदर तो ये सब बिकता उगता नहीं है? नहीं नहीं, तो इधर से हर जगह से आ जाता है, टेनवा हो गया, परिहरा हो गया, रोड पर ही है, सब उधर से। इधर बनता उनता नहीं है? बनता है, जहाँ तहाँ बनता है, लेकिन उसके यहाँ नहीं बनता है, वो खाली इंग्लिश लान करके बेचता है। हाँ, पूरा एरिया भी अगल बगल महकता भी होगा? हाँ, कहीं नहीं महकता है, मान लीजिए बहुत सीसी मिलेगा हम लोग को कियारी में, देखिएगा ना, तो हर जोतने में आस पास के लोग पीते हैं कि बाहर से आते हैं? बाहर से भी आते हैं ना पीने के लिए। हाँ, बाहर से भी आते हैं, दारू पीकर के दरवाजा के सामने आना अपना भूलता है सब लोग, जो दूसरा तीसरा आदमी जो जो आता है पीता है। चलिए, इस मामला को जो है जिला प्रशासन जरूर संज्ञान में ले, और इसको जो है गहरी से जो है अध्ययन करके, इसमें जो है जब तक कार्रवाई नहीं होता है तो दो पार्टी अभी झगड़ा कर रहे हैं, अब इसमें क्या हो सकता है अभी कह पाना मुश्किल।